स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ऑनलाइन तैयारी आप लोगों के लिए नया इनिशिएटिव लेकर आया है गणित ज्ञान की क्लास के रूप में। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि आज इस गणित ज्ञान की क्लास में आपको क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आज का क्वेश्चन ये है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% लॉस। एक व्यक्ति ने एक सामान को 25% नुकसान में बेचा। If he would have bought it at rupees 40 less, अगर वो इस सामान को 40 रुपए कम में खरीदता, यानी उसने अगर मान लो पहले 100 रुपए का खरीदा था तो अब वो 60 रुपए का खरीद रहा है, and sold it at rupees 40 less, और बेचता भी 40 रुपए कम में, then loss would be 25% more, तो जो उसे हानि होगी वो 25% ज्यादा होगी। अगर पहले 25 हो रही थी तो अब कितनी होगी हानि उसे, अब उसे जो हानि होगी वो होगी 50%। Then find the initial and final cost price of the article. तो हमें इस क्वेश्चन में पहले का कॉस्ट प्राइस और बाद वाला कॉस्ट प्राइस, हमें दोनों कॉस्ट प्राइस बताने हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह किया जाता है। पहले उसे हुई 25% की हानि, यानी 25% का लॉस। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, उसे हुआ है लॉस। यहां लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस और यहां लिखा मैंने सेलिंग प्राइस, यानी उसने 4 यूनिट का सामान बेचा, 4 रुपए का सामान उसने बेचा 3 रुपए में, तो उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर बाद में क्या कहा, अगर उसने यहां पे 40 रुपए कम कर दिए, 40 रुपीज कम कर दिए, और यहां पे भी 40 रुपीज कम कर दिए, यानी उसने सीपी भी 40 रुपए कम कर दिया और एसपी भी 40 रुपए कम कर दिया, तो जो उसे लॉस था वो 25% अधिक हुआ, यानी पहले 25% हो रहा था और 25% और उसे घाटा हो गया, तो यानी उसे जो घाटा हुआ कितने का हुआ, 50% का घाटा हुआ। और 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2, यानी 2 यूनिट का सामान उसने अब बेचा कितने में, 1 यूनिट में, 2 रुपए का सामान अब वो बेच रहा है 1 रुपए में। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो 4 यूनिट और 2 यूनिट जो ये वाला डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 यूनिट बराबर 40 रुपए, क्योंकि सीपी में भी 40 कम किया था, एसपी में भी 40 कम किया था, तो इस वजह से जो इनका डिफरेंस है ये 40 के बराबर है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस हो गया मेरा 20 रुपए। ये वाला है मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस और ये वाला है मेरा फाइनल कॉस्ट प्राइस। तो अगर मेरा इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस होगा 4 यूनिट, तो 4 × 20 यानी कितना हो गया, 80 रुपए। और जो मेरा फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा 2 यूनिट, यानी 2 × 20 यानी 40 रुपए। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80 रुपए और 40 रुपए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के मन में हल्की फुल्की कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी था, उसने किसी सामान को बेचा 25% की हानि पर, यानी 4 रुपए का सामान उसने बेचा 3 रुपए में। अगर वो उसी सामान को 40 रुपए कम में खरीदता है और 40 रुपए कम में बेचता है, तो जो उसे हानि होगी वो 25% अधिक होगी, यानी पहले 25% हानि हो रही थी, अब उसे होगी 50% की हानि, यानी वो 2 रुपए का सामान बेचेगा 1 रुपए में। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहां से देखी ये जा सकती है कि ये जो वाला डिफरेंस है, ये 2 यूनिट का डिफरेंस इस 40 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 20 रुपए। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस और फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इनिशियल कॉस्ट प्राइस था 4 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 20, यानी इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो गया 80 रुपए। फाइनल कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट यानी 40 रुपए। और इस क्वेश्चन को यहां से भी चेक किया जा सकता है, यहाँ पे 40 रुपए कम किया था, यानी अगर 80 में से मैं 40 घटा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 40। तो इस वजह से जो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा 80 रुपए और लास्ट वाला कॉस्ट प्राइस यानी जो फाइनल होगा वो होगा 40 रुपए।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी नए यूजर्स हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।